हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक ठाक हैं बेटा? आई होप सो कि आप अच्छे होंगे। ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए, घर से बाहर मत निकलिए, छत पे टहलिए, और अगर कॉलोनी में रहते हैं तो सोसाइटी के अंदर ही वॉक करिए, साइकिलिंग करिए, फिज़िकल एक्सरसाइज करिए, है ना। लेकिन बाहर मार्केट नहीं जाना है, ठीक है। और जितना हो सके जहाँ भी भीड़ भाड़ है उससे दूर रहना है। अपने आप को सेफ़ रखिए, घर वालों को भी बोलिए कि सेफ़ रहें, ठीक है। एंड नाउ अब हम लोग बेटा पढ़ाई लिखाई शुरू करते हैं। हम लोग वेक्टर पढ़ रहे थे। वेक्टर में हमने आपको कंपोनेंट्स इन 3D समझा दिया था। हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे, है ना। आज हम लोग सिर्फ क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करेंगे, कंपोनेंट्स इन 3D के भी क्वेश्चन करेंगे, और पुराने जो टॉपिक पढ़े हैं, पढ़ा है हम लोगों ने, उसके भी क्वेश्चंस करेंगे, मिक्स्ड क्वेश्चन करेंगे। क्योंकि क्वेश्चन करने से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आपको अच्छा लगेगा बेटा, ठीक है। तो चलिए देखिए ध्यान से, हम लोग क्वेश्चन करते हैं बेटा। अगर मान लीजिए मैंने आपसे कहा इफ़ ए वैक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2j कैप, और अगर आपसे कहे कि देन फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, देन फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। तो देखिए बेटा, अगर मेरे पास ए वेक्टर है तो आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर फाइंड करना है। तो देखिए बेटा बहुत ध्यान से, यहाँ पर बेटा इस क्वेश्चन का आंसर कैसे देंगे? मैंने लास्ट टाइम पढ़ाया था, रिवीजन कर रहे हो ना प्रॉपर? मैं बार बार बोलता हूँ रिवीजन करके आया करो। जो लेक्चर लास्ट डे पढ़े थे उसको पूरा एक बार पढ़ के आया करो, और पुराना जितना हो सके पॉसिबली पढ़ा करो। तो यहाँ पर बेटा ये ए वेक्टर है, ए वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप होएगा। अब बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर सॉल्व करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो क्या सिखाया था? अंडर रूट करेंगे, i की कोफिशिएंट 3 का स्क्वायर, जे की कोफिशिएंट 4 का स्क्वायर, और के की कोफिशिएंट 2 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, देखो बेटा 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 एंड 2 का स्क्वायर 4। 16 प्लस 9 25, 25 प्लस 4 29, अंडर रूट 29। तो देखो बेटा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अगर मुझसे कहेगा डायरेक्शन, देखिए डायरेक्शन भी कहा है, तो कॉस अल्फा, डायरेक्शन को साइन का फॉर्मूला पढ़ा था ना बेटा, कॉस अल्फा। लेट अस सपोज ए वेक्टर एक्स के साथ अल्फा एंगल बना रहा, व्हाट इज अल्फा? द एंगल मेड बाय द ए वेक्टर विद एक्स एक्सिस। डायरेक्शन का मतलब होता बेटा एक्स वाई और जेड के साथ एंगल फाइंड करना। तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू एक्स कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट कितना है 3 अपॉन टोटल वेक्टर कितना है रूट 29 एक्स अपॉन ए। सो अल्फा इज इक्वल टू कितना होएगा? कॉस इनवर्स 3 बाय रूट 29 विद एक्स एक्सिस। ये किसके साथ आया बेटा? विद एक्स एक्सिस, विद एक्स। कितना सिंपल है। इसी तरह से बेटा हम लोग देखिए कॉस बीटा कॉस गामा सॉल्व करेंगे। कॉस बीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला लिखा था वाई कंपोनेंट, वाई के साथ एंगल है तो वाई कंपोनेंट ऊपर अपॉन रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो देखिए बेटा कॉस बीटा इक्वल टू ए वाई, वाई कंपोनेंट 4 अपॉन रूट 29। तो बीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 4 अपॉन रूट 29। दिस इज द बीटा। यहाँ पर बेटा हम कॉस गामा लिखेंगे, कॉस गामा, कॉस गामा एजेड अपॉन ए, एजेड अपॉन ए। अब यहाँ पे एजेड, एजेड यानी जेड कंपोनेंट कितना है बेटा? के का कोफिशिएंट, ये जेड कंपोनेंट है, 2 अपॉन रूट 29। तो गामा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स
टू अपॉन रूट 29, ये विद जेड एक्सिस है। तो देखिए इस क्वेश्चन को मैंने बना लिया बेटा, अब आगे से जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले घबराना नहीं है, बना लेना है इसको, है ना, घबराना नहीं है, इसको बना लेना है, ठीक है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं और इसे मिटाते हैं। देखिएगा अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया बेटा, वीडियो रीप्ले करो, वीडियो रीप्ले करके बार बार देखो, आपको आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं बेटा। देखिए ध्यान से देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, ठीक है। ये हम लोग को बताना है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा की वैल्यू क्या होगा। तो देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। तो सॉल्यूशन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, यहाँ पर ये जो है इसका सॉल्यूशन हमें देखना है, इसकी वैल्यू बतानी है। अल्फा बीटा क्या क्या है बेटा, तो वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर एक्स के साथ अल्फा एंगल, वाई के साथ बीटा एंगल और जेड के साथ गामा एंगल, इसकी वैल्यू पूछा गया है। तो देखिए मैं इसको कैसे सॉल्व करूँगा। यहाँ पर बेटा साइन स्क्वायर थीटा 1 - cos² अल्फा होता है, इसके पीछे मैं ट्रिग्नोमेट्री लगा रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ा होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। सो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होएगा 1 - cos² थीटा। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - cos² थीटा होएगा। तो यहाँ पर बेटा साइन स्क्वायर अल्फा 1 - cos² अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा 1 - cos² बीटा और साइन स्क्वायर गामा इज द 1 - cos² गामा। तो यहाँ पर बेटा बहुत ध्यान से 1 + 1 + 1 - cos² अल्फा - cos² बीटा - cos² गामा। तो यहाँ पर 3 - cos² अल्फा + cos² बीटा + cos² गामा और cos² अल्फा + cos² बीटा + cos² गामा 1 होता है। तो 3 - 1 = 2, 3 - 1 = 2। तो देखिए बेटा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा की वैल्यू 2 है। आई बात समझ में? तो ये वैल्यू होता है, देखिए मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ जिससे कि आप कंफर्टेबल फील करें बेटा, क्वेश्चन कराने से फिर आपसे बनने लगेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। जो मैं करा रहा हूँ उस क्वेश्चन को आप नोट्स में लिखेंगे और रफ में 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे। पता है मैंने मतलब जैसे मैं जो आपको बताता हूँ बेटा, वो फंडा है बेटा कि आप पहले उन क्वेश्चंस को करें जो मैंने आपको कराए हैं, ताकि आपको आप जब खुद करेंगे तो आपको उसमें जो परेशानियां हैं, जो स्टेप्स का लिखने का प्रॉब्लम है, वो सब दूर हो जाएगा। आप खुद पे खुद फील कर रहे हैं, हाँ यार इसके बाद ये, एक स्मूथ लाइन बन जाएगी और इजीली आप चल पड़ेंगे उस पर। इसलिए मैं बताता हूं कि हर क्वेश्चन को 2-3 बार प्रैक्टिस करना चाहिए। आइए ध्यान से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते बेटा बहुत आराम से। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत आराम से, ध्यान से, ईमानदारी से देखिएगा बेटा। यहाँ पर देखिए, अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन कहेगा अ बॉडी मूव्स 1 meter टुवार्ड्स ईस्ट, 1 meter टुवार्ड्स ईस्ट। बहुत ध्यान से सुनना, आराम से समझना। 2 meter towards north, 2 meter towards north, and बहुत आराम से सुनना बेटा, and 3 meter in upward direction। तो हमसे कह रहा बेटा then find the magnitude of displacement,
देन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, है ना बेटा, हमें मैग्नीट्यूड बताना है डिस्प्लेसमेंट का। देन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द बॉडी, है ना बेटा, बॉडी में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, इस क्वेश्चन को अपन को सॉल्व करना है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। देखिए बेटा, अ बॉडी मूव्स 1 meter टुवर्ड्स ईस्ट। देखिए बेटा, एक बॉडी, देखिए हम डायग्राम बना रहे बेटा। अब बॉडी जैसे आप कॉपी पे लिखते हैं, तो जैसे कॉपी आपके सामने ऐसे होता है ना, ये देखिए जैसे ये कॉपी है, तो आप ऐसे बनाते हैं, अच्छा ऐसे करके बना रहे ना, ईस्ट ऐसे ऐसे बनाते हैं ना, इधर दिखाई दे रहा है ना, ईस्ट ऐसे, नॉर्थ ऐसे। तो देखो बेसिकली बेटा, बहुत ध्यान से देखना ईस्ट की तरफ। जैसे देखिए, ये एक एक्सिस अपन लोगों ने बनाया, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, एंड ये साउथ है। आप बोलेंगे सर पहला वेक्टर है 1 meter ईस्ट की तरफ, यानी पहला वेक्टर 1 meter मैग्नीट्यूड और ईस्ट की तरफ, दूसरा वेक्टर 2 meter नॉर्थ, चलिए एक वेक्टर 2 meter नॉर्थ, और तीसरा वेक्टर है 3 meter इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो 3 meter किधर होगा, तो 3 meter इधर होगा, क्योंकि ऐसे है ना बेटा, जैसे मैं बोलूँ ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, तो अपवर्ड किधर होगा, ऊपर होगा ना, तो अपवर्ड मैं यहाँ बना नहीं पाऊंगा, बस फील करूंगा इधर की तरफ, फील करूंगा कि भाई ये इधर की तरफ है 3 meter, और सोचूंगा ये एक्स है, ये वाई है, तो ये जेड एक्सिस होगा, ये एक्स कंपोनेंट सोचूंगा, ये वाई कंपोनेंट सोचूंगा, और जेड कंपोनेंट इधर की तरफ सोचूंगा, जेड कंपोनेंट इधर की तरफ, ए जेड इक्वल टू 3 meter, मतलब मैं लिख लूंगा बेटा एक्स कंपोनेंट वी हैव 2 meter, 1 meter ना, एक्स कंपोनेंट 1 meter, वाई कंपोनेंट 2 meter, एंड जेड कंपोनेंट इज 3 meter। हमसे कह रहा है डिस्प्लेसमेंट का मैग्नेट, डिस्प्लेसमेंट मतलब होता है इन वेक्टर्स का रिजल्टेंट। तो सिंपल सी बात है, ए वेक्टर इज द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, एक्स कंपोनेंट 1i कैप प्लस एक्स की तरफ है, इसे एक्स मान लो, इसे वाई मान लो, और ये जेड है बेटा, तो एक्स एक्सिस की तरफ 1 meter i कैप 1i कैप हो गया, ये 2j कैप होएगा, एंड ये 3k कैप होगा। और जब हम ऐसे लिखते हैं बेटा एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट जेड कंपोनेंट, तो मैग्नीट्यूड लिखना आता है अंडर रूट करके, लिखना आता है ना अंडर रूट करके, आई का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर 1, जे का कोफिशिएंट 2 का स्क्वायर 4, 3 का कोफिशिएंट 3 का स्क्वायर 9, जे के का कोफिशिएंट 3 का स्क्वायर 9, 9 और 4 13, 13 + 1 14, अपन लोग बोलेंगे √14। कितना आराम से बनाया, √14 meter आएगा। तो ये देखिए हमारा आंसर आ गया, कितना आराम से बनाया, बिना डरे बनाया, आराम से बनाना बेटा, क्वेश्चन ऐसे ही बनाना है, पढ़िए और उसके बाद डायग्राम बना सकते हैं तो बनाइए, और अच्छे से डायग्राम में फील करिए जो हो रहा है, और फिर ये क्वेश्चन बन जाएगा। इस क्वेश्चन को 2-3 बार देखिए, पहले तो वीडियो रीप्ले करके बार बार देखिए कैसे मैंने सॉल्व करा है, कॉन्फिडेंट फील करिए, फिर नोट्स में लेके, फिर नोट्स रफ में 2-3 बार खुद से बनाइए, देखिए आप परफेक्ट हो जाएंगे। अगर मेरे मेथड से आप चलोगे तो फिजिक्स के न्यूमेरिकल आपसे बहुत आराम से बनने भी लगेंगे बेटा। और देखते हैं, देखिए और क्वेश्चन देखते हैं बहुत आराम से, देखिए बिल्कुल ध्यान से सुनते रहिए, बड़े आराम से, बहुत आराम से सुनते रहिए। देखिए अब यहाँ पर बेटा बहुत ईजिली और प्यार से सुनिएगा, और भी क्वेश्चन कर रहे हैं, पीछे से मिक्स भी कर रहे हैं, ठीक है, पीछे से भी मिक्स कर रहे हैं क्वेश्चन, क्योंकि आप इतना सब कुछ पढ़ चुके हैं तो हम मिक्स करके भी दे सकते हैं क्वेश्चन। सपोज दैट, लेट अस सपोज दिस इज अ कैरम बोर्ड, मान लीजिए बेटा ये एक कैरम बोर्ड है, बहुत आराम से समझना बेटा, ये कैरम बोर्ड है, कैरम बोर्ड हम समझते हैं ना, दिस इज अ कैरम बोर्ड, मान लीजिए 20 feet है ये वाला, ये भी 20 feet है, मान लीजिए, दिल पे मत ले लीजिएगा, ये भी 20 feet है, ये भी 20 feet है, बहुत बड़ा कैरम है भाई साहब, 20 feet तो बहुत बड़ा हो गया ना, चलो 10 feet कर लेते हैं, 10 feet भी बहुत बड़ा होता है, चलिए मान लीजिए, दिल पे मत लीजिएगा, बस थोड़ा और छोटा कर लेंगे, चलिए 2 feet का कर लीजिए, चलिए 2 feet का ठीक रहेगा ना बेटा, 2 feet के सही रहेंगे, अच्छा रहेगा, 2 foot वाले सही रहेंगे, चलिए मान लीजिए ये 2 feet का है, ठीक है 2 feet का है ना, स्क्वायर शेप का कैरम है। अब बेटा यहाँ पर ये क्वीन है, ये क्वीन है,
और ये स्ट्राइकिंग लाइन है, स्ट्राइकिंग लाइन पे हम स्ट्राइकर रखते हैं और ऐसे करके मारते हैं। तो यहाँ पर बेटा ये क्वीन ऐसे सामने वाले सरफेस पे टकराया और टकराने के बाद स्ट्राइकिंग लाइन के पीछे जो पैकेट है इसमें आ गया। तो अगर मैं इसको ओ मान लूँ, इसको ए मान लूँ और इसे बी मान लूँ, तो हमसे कह रहा बेटा कि आप ये ओ ए वैक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करो, आप ए बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करो और ओ से बी तक नेट डिस्प्लेसमेंट होगा ये भी फाइंड करो। यानी आपको ये भी फाइंड करना है, ये भी फाइंड करना है, ये भी, ये लेंथ बतानी, ये लाइन की लेंथ, ये लाइन की लेंथ, ये लाइन की लेंथ। यानी आपको फाइंड करना, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ओ ए वैक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वैक्टर एंड ओ बी वैक्टर, ये हमें फाइंड करना है। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे बताएंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, आप जरा ध्यान से देखना और घबराना नहीं, यहीं पर हूं मैं, आराम से समझना, बहुत इजी बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली बात, ये क्वेश्चन एसी वर्मा में इसी टाइप का दिया हुआ है, कैरम बोर्ड का क्वेश्चन, आप देखना, आप वेक्टर वाले चैप्टर में जो कि आपका सेकंड चैप्टर है बेटा उसमें आपको ये क्वेश्चन मिलेगा, उसमें आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। जो बच्चे एसी वर्मा अगर मान लीजिए बनाते आगे फ्यूचर में, अगर वो देखेंगे तो डरेंगे नहीं बेटा, आराम से समझना, डरना नहीं, बहुत आराम से। अब ऐसा मत समझना कि एसी वर्मा की बुक बनानी पड़ेगी, अभी नहीं बनाना बेटा, कोई बुक नहीं लेगा, मैं बताऊंगा कब बुक लेना है, अभी बुक नहीं लेनी है, अभी आप वेक्टर पूरा पढ़ लो, पहले खत्म कर लो बुक, वेक्टर आपके पास बुकलेट है, बुकलेट को बनानी है, मैं आगे बताऊंगा कि कब आपको बुक लेना है और फिर जब बुक लेना है तो कौन से चैप्टर से बनाना है। बहुत सारे बच्चे मुझे मेरे पास फ़ोन करते कि सर कौन सी किताब लें, कौन सी बुक लें, अभी नहीं लेना है, वेक्टर आप पढ़ रहे हैं पहले वेक्टर कंप्लीट करिए, हम मोशन में जा करके यानी नेक्स्ट चैप्टर में जा करके बुक लेंगे, वो भी थोड़ा और पढ़ लेंगे तब लेंगे बुक। किताब लाने के बाद एक पढ़ने का प्रेशर होता बेटा, अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, आपका दिमाग इस कुछ परसेंटेज इस बात पे लग जाए कि यार नई किताब लाया, अभी तक तो बनाया है नहीं यार, तो ये आप एक अननेसेसरी का प्रेशर क्रिएट नहीं करना, अभी आपको आपको अपनी पूरी एनर्जी भी जो पढ़ा रहे हैं उस पर लगनी चाहिए, आपको जो बुकलेट मिल रहा है उस पर बनाना है, उस पर दिमाग लगाना है आपको, बात समझ में आ रही है, कोई इधर उधर बुद्धि नहीं लगानी, आराम से समझो ठीक है। उसके बाद हम बुक बनाएंगे और बुक के सारे क्वेश्चन बनाने के लिए आप एबल हो जाएंगे, आप परेशान मत होना, है ना, मैं सारे क्वेश्चन आप देखना, आप पूरी थ्योरी पूरा सॉल्ट एग्जांपल बना लोगे और फिर चैप्टर जब देखो, अरे यार अरे बहुत सारे क्वेश्चन तो आते हैं, अरे ये बन जाएगा, तुरंत बन जाएगा, क्वेश्चन हु बा वही नहीं मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन के कंसेप्ट आपके पास होंगे, आप क्वेश्चन देख के आप कॉन्फिडेंट फील करके, अरे यार सॉल्व कर सकते हैं यार, टफ नहीं है, वी कैन सॉल्व इट प्लीज। तो देखिए ध्यान से, अब ये क्वेश्चन है बेटा, इस क्वेश्चन को अपन लोग बना रहे हैं, देखिए कैसे बनेगा क्वेश्चन। तो यहाँ पर बेटा सबसे पहली बात, ये यहाँ से ये क्वीन वाली जो गोटी ऐसे गया, यहाँ टकराया और ऐसे करके ये सामने आया, सपोज दैट ये नॉर्मल खींचा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सपोज दैट दिस इज थीटा, दिस इज ऑल्सो थीटा, अपन इसको ए वेक्टर नाम दे देते हैं, इसे बी वेक्टर नाम दे देते हैं, इसे सी वेक्टर नाम दे देते हैं और बिना डरे बोलते हैं। अब बेटा इस ए वेक्टर का एक कंपोनेंट यहाँ पर तोड़ेंगे, एक कंपोनेंट इधर तोड़ेंगे, मान के चलेंगे दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, ऐसे करके। अब देखिए बेटा ये थीटा है तो अल्टरनेट एंगल से ये थीटा हो गया, ए का कंपोनेंट जिधर एंगल होता है उधर कॉस लगता है तो ए कॉस थीटा, और ये वाला कितना होगा ए साइन थीटा, डरने का नहीं, डरने का नहीं, मैं हूं ना। अब देखिए सबसे पहले ए कॉस थीटा, क्या ये दो फिट का आधा, ए कॉस थीटा वन फिट होएगा, आधा आधा है ना बेटा, ये पूरा टू फिट है दिख रहा है, ये टू फिट है तो टू का आधा वन ही फिट तो होगा, तो अपन लोग ए कॉस थीटा इक्वल टू वन फिट एक इक्वेशन बना लेंगे, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है भैया वन। अब आइए बी वेक्टर, ये इसका एक कंपोनेंट इधर की तरफ यहां तक और एक कंपोनेंट बिल्कुल ऐसे करके यहां तक। अब देखिए ये थीटा है तो जिधर एंगल होता है वो कॉस में लगता बेटा, तो ये हो जाएगा बी कॉस थीटा और ये हो जाएगा बी साइन थीटा। अगर आप ध्यान से देखें तो ये वेक्टर जो है इसका ये कंपोनेंट बी कॉस थीटा ये यहां से यहां तक दो फिट के बराबर होगा,
तो बी कॉस थीटा 2 फिट के इक्वल है, मुझे डर नहीं लग रहा है, सेकेंड इक्वेशन। और बेटा अगर बुद्धि लगाओ तो ये बी साइन थीटा और ये ए साइन थीटा, ए साइन थीटा प्लस बी साइन थीटा, ये साइड और ये साइड जोड़ेंगे तो ये आधा आ जाएगा 1 फिट। यानी बेटा ए साइन थीटा ये, तो ये भी तो ए साइन थीटा, ए साइन थीटा प्लस बी साइन थीटा, यानी ए साइन थीटा प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू 1। चूंकि 2 का आधा 1 होगा ना, यहां से तक पूरा 2 है, आधा 1 होएगा 1। अब अगर आप ध्यान दो बेटा बहुत आराम से, तो इस दोनों में a प्लस बी साइन थीटा कॉमन होने के बाद a प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू 1। बुद्धि लगाओ और इन दोनों को ऐड कर दो, बुद्धि लगाओ इन दोनों को ऐड करोगे तो cos थीटा कॉमन, a प्लस बी cos थीटा इज इक्वल टू 2 + 1 = 3। डरना नहीं, देखो कैसे सॉल्व करा। देखो ये 3 इक्वेशन है, इसमें साइन कॉमन लिया, इस फॉर्मेट में इन दोनों को ऐड कर दिया ताकि cos एक साइड आ जाए a प्लस बी। अब इनको डिवाइड कर देते बेटा, a प्लस बी cos थीटा साइन थीटा ऊपर, दोनों को डिवाइड करोगे, दिमाग लगाओ भेजा लगाओ डिवाइड करो तो a प्लस बी कट जाएगा, साइन अपॉन cos tan थीटा, तो tan थीटा 1/3। और अगर tan थीटा 1/3 है बेटा तो यहाँ से cos भी निकल सकता, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 1 एंड बेस इज 3, तो दिस इज पाइथागोरस थ्योरम, 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 10। तो देखो मेरे को ना अगर cos थीटा चाहिए तो cos थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस 3/√10। तो क्यों ना हम cos थीटा की वैल्यू यहां पुट कर लें, तो देखो निकल के आ गया कि नहीं आ गया, फ्रॉम फर्स्ट, देखो फ्रॉम फर्स्ट a cos थीटा इक्वल टू 1 है, a cos थीटा, तो a बराबर हो गया 1/cos थीटा, और cos थीटा हमारे पास कितना है 3/√10, उल्टा करके लिखेंगे √10/3 फीट। देखा, हे भगवान नहीं आया, थोड़ा सा टेढ़ा सवाल था, कुछ नहीं है यार, a वेक्टर है, ये थीटा मैंने माना एंगल ऑफ इंसिडेंस तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये थीटा तो अल्टरनेट एंगल, ये a cos थीटा, ये साइन थीटा, a cos थीटा इक्वल टू 1, चूंकि ये पूरा 2 है तो आधा 1 होएगा, a cos थीटा 1, एक साइड लिख लिया। फिर b वेक्टर का एक कंपोनेंट इधर b साइन थीटा b cos थीटा, जिधर एंगल उधर cos, b cos थीटा 2, वो लिख लिया। थर्ड इक्वेशन, ये और ये दोनों ऐड कर देंगे, 1 आ गया, भैया बात खत्म। अब अपन बुद्धिमानी से सॉल्व करते चल रहे हैं बस, और क्या प्रॉब्लम है, a निकल गया, अगर b कहेगा बेटा तो फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन b cos थीटा इक्वल टू 2, सेकेंड इक्वेशन क्या है, बी कॉस थीटा इक्वल टू 2, तो बी इज इक्वल टू 2/cos थीटा, एंड कॉस थीटा की वैल्यू कितना है 3/√10, उल्टा कर लेंगे तो 2√10/3 फीट। कितने प्यार से बनाया यार, कितना सिंपल है, बहुत इजी है बेटा, ए भी निकाल लिया बी भी निकाल लिया, बात खत्म हो गई, इसमें कौन सी बड़ी बात है। देखो ये मॉड ऑफ ओ ए वैक्टर भी निकाल लिया, मॉड ऑफ ए बी वैक्टर एंड मॉड ऑफ ओ बी वैक्टर निकालना है, कहानी बहुत सिंपल है। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आया तो मैं दूसरा तरीका भी बता सकता हूँ, देखो कैसे बताता हूँ दूसरा तरीका, देखो अगर आपको नहीं समझ में आया मैं एक और मेथड लगाता हूँ बेटा, ध्यान दो, आप इसमें ट्रिग्नोमेट्री लगा लो ना, आप इसमें ट्रिग्नोमेट्री लगाओ, देखो मैं बताता हूँ कैसे बनाओ, एक और तरीका है, कन्फ्यूज मत होना, ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है ना, इसलिए मैं बता रहा हूँ ताकि आपका दिमाग खुलेगा। जैसे देखिए ये जो है कैरम बोर्ड है, मैंने कितना लिया था बेटा, ये 2 फिट लिया था ना, स्क्वायर शेप का कैरम बोर्ड है, ऑल साइड्स आर इक्वल, 2 फिट के है। अब ये क्वीन है, यहाँ से ये सीधा यहाँ आ गया, फिर ये यहाँ आ गया, यही हुआ ना, अपन को ये लेंथ निकालनी है ना, अपन ऐसे थीटा मानते हैं ना, ये थीटा ये थीटा, तो बुद्धि लगाओ, देखो देखो यूज योर माइंड, सोचो ये साइड है ए, तो ये एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। अब अगर बेटा राइट एंगल ट्रायंगल में मैं आपसे कहूं कि दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, बहुत आराम से सुनना बेटा, ये एंगल थीटा है तो थीटा के सामने ये क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये क्या होगा बेस, ये क्या होगा हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस मैंने ए मान लिया। अगर मैं आपसे बोलूं चलो बेटा हाइपोटेनियस वालों में परपेंडिकुलर बताओ, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में रिलेशन साइन थीटा होता है, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस की वैल्यू ए, तो परपेंडिकुलर हो गया ए साइन थीटा। यानी ये जानते हो, थोड़ा स्मार्ट बनो, थोड़ा सा ना स्मार्ट बनना पड़ता है। अगर आपको बड़ी वाली साइड मालूम है राइट एंगल ट्रायंगल में, देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना,
अगर ये हाइपोटेनियस मालूम है, अब थीटा के सामने परपेंडिकुलर चाहिए तो तुरंत ए साइन थीटा करना चाहिए, बेस करना है तो ए कॉस थीटा कर लेना चाहिए। देखो ये आपके एक आदत में होना चाहिए, ये जो चीज मैं बता रहा हूं आपके आदत में होगा जिससे आप बहुत सारा टाइम बचा सकते हैं। आप ये सोच के देखो ना, ये ए है, थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर है, ये कितना होगा, ए साइन थीटा। कोई भी बोल सकता है सर थीटा जब होता है उसके सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होता है, और ये वाला साइड कितना होगा, तो ए कॉस थीटा। बेस देखो ए कॉस थीटा में होता है, यानी ये ऐसे बना लो जो लेंथ है वही लेंथ है, ये ए कॉस थीटा। अब क्या प्रॉब्लम है, ए कॉस थीटा की वैल्यू या लिखने में क्या प्रॉब्लम है कि ए कॉस थीटा वन हो गया, इक्वेशन तो वही बन रहा है बेटा। देखो फर्स्ट इक्वेशन वैसे ही बना। अब देखो ये है ये थीटा, तो ये सामने थीटा होगा क्या, बी। कोई भी बुद्धि लगा सकता है कि देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हाइपोटेनियस है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, यहां से यहां तक परपेंडिकुलर कितना होगा, बी साइन थीटा, और ये कितना होगा, बी कॉस थीटा। देखो ये बेस बी कॉस थीटा। कोई भी उल्लू जो बहुत बड़ा उल्लू होगा वो भी बोलेगा यार बी कॉस थीटा तो टू है, क्या प्रॉब्लम है बताओ जरा, मुझे कोई दिक्कत हो रहा है क्या। बी कॉस थीटा यहां से यहां तक पूरा दो फिट है ना। देखो ये चीजें ऐसे समझ लो, ज्यादा दिक्कत है ऐसे समझ लो, ट्रिग्नोमेट्री से बना लो, ज्योमेट्री से बना रहे हैं हम लोग, बिल्कुल सिंपल। और देखो ये ए साइन थीटा, ये ए साइन थीटा मतलब ये तो ये भी ये बात तो एक ही है ना, ये लेंथ और ये लेंथ है, ए साइन थीटा प्लस बी साइन थीटा टू का आधा वन हो जाएगा। तो देखिए ए साइन थीटा प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू वन। अब मुझे बताओ इसमें क्या पंगा है, देखो थर्ड इक्वेशन, अब स्मार्टली सॉल्व करना बेटा ए और बी की वैल्यू। तो हमने क्या करा, देखो इस इक्वेशन को मैंने रिड्यूस करा, पहले तो साइन थीटा कॉमन ले लिया, तो ए प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू वन करा। देखो मेरा स्मार्ट कैलकुलेशन देखो, और मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया, ऐड करने से क्या होगा, ए कॉस थीटा प्लस बी कॉस थीटा में कॉस थीटा कॉमन हो जाएगा, तो ए प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू ए प्लस बी एंड कॉस थीटा इक्वल टू, ऐड करो तो कितना आएगा, टू प्लस वन थ्री हो जाएगा। अब मुझे आप डिवाइड कर लो, डिवाइड इसको डिवाइड करोगे तो ए प्लस बी कट जाएगा, साइन अपॉन कॉस टेन थीटा दिस इज वन बाई थ्री। अब आप बोलोगे सर टेन थीटा मिल गया, मुझे ए निकालने के लिए कॉस थीटा चाहिए, तो टेन थीटा से कॉस थीटा कैसे निकालते हैं ये प्रोसेस भी आपको आना चाहिए। देखिए कैसे करा, एक राइट एंगल ट्रायंगल खींचेंगे, खींच लिया, ये थीटा है, अब ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो परपेंडिकुलर थीटा के सामने परपेंडिकुलर वन और बेस इज थ्री, तो ये कितना होएगा बेटा, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, वन का स्क्वायर वन प्लस थ्री का स्क्वायर नाइन, नाइन प्लस वन टेन, रूट टेन। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है थ्री और हाइपोटेनियस इज रूट टेन, थ्री अपॉन रूट टेन। अब मुझे बताओ जब कॉस थीटा मिल गया तो कोई भी स्टूडेंट क्या कॉस थीटा यहां और यहां रख के ए और बी की वैल्यू सॉल्व नहीं कर सकता क्या, कर सकता बेटा। देखिए आप यहां पर इसको मिटा रहे बेटा, आप बताइए मुझे बहुत सिंपल तरीके से बताइए, फर्स्ट इक्वेशन में फ्रॉम फर्स्ट बताइए ए कॉस थीटा इक्वल टू वन है तो ए की वैल्यू कितना होएगा, वन अपॉन कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा की वैल्यू को उल्टा कर देंगे, रूट टेन ऊपर आ जाएगा, थ्री नीचे आ जाएगा, रूट टेन बाई थ्री फिट। देखिए कितने प्यार से बनाया, कोई दिक्कत हुआ मुझे, कोई दिक्कत नहीं हुआ। अगर मुझे बी कहेगा तो फ्रॉम सेकंड इक्वेशन में बी की वैल्यू निकालूंगा, बी कॉस थीटा इक्वल टू टू है तो बी इज इक्वल टू टू अपॉन कॉस थीटा। बताओ मुझे कोई प्रॉब्लम हुआ, ये मेथड तो समझो, एक बार नोट्स में लिखो फिर उसका रफ में बनाओगे आपको बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा। मेरे ख्याल से अब कैरम बोर्ड का ये क्वेश्चन कोई गड़बड़ नहीं करेगा, मैंने जैसे बताया है दो तीन बार बनाते ही क्लियर हो जाएगा। कॉस थीटा उल्टा करके रूट टेन ऊपर थ्री नीचे आ गया, भाई बताओ इस क्वेश्चन में क्या पंगा था, सिंपल क्वेश्चन था, बना लिया मैंने, है ना आसान। तो कितना आसान तरीके से मैंने बनाया, वैक्टर से बनाओ चाहे ट्रिग्नोमेट्री में ज्योमेट्री लगाओ, बात एक ही है बेटा, कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता है। तो कैरम बोर्ड का क्वेश्चन का कोई इशू नहीं बनेगा, कैरम बोर्ड का क्वेश्चन बहुत आराम से बना लेंगे, कोई कंफ्यूज नहीं होएगा। मैं जितना भी पॉपुलर क्वेश्चन है, फेमस क्वेश्चन है, वो बना दूंगा, समझा दूंगा, ताकि आपको अगर मिले तो आप कंफ्यूज मत हो। और बनाते हैं, देखिए बिल्कुल आराम से सुनिए, और भी बनाते हैं बेटा, टेंशन नहीं लेने का, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का। देखिए मैं क्वेश्चन मिक्सअप करा रहा हूँ ताकि आपके क्वेश्चन, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएँ। अब जैसे मैंने आपसे कहा ये क्वेश्चन देखो,
ये एक रेगुलर हेक्सागन है, बहुत आराम से सुनना। ए बी सी डी ई एफ, और ये सेंटर है ओ। अब एक वेक्टर यहां डिफाइन किया गया, ए बी वेक्टर, दिस इज ए बी वेक्टर, है ना। हमें बोल रहा है फाइंड फाइंड ए बी वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर प्लस ए डी वेक्टर प्लस ए ई वेक्टर प्लस ए वेक्टर, इसकी वैल्यू क्या आएगी। ऑप्शंस भी दिए बेटा, फर्स्ट ऑप्शन 2 ए ओ वेक्टर, वो ये है। सेकंड 3 ए ओ वेक्टर, टेंशन नहीं लेने का। थर्ड 4 ए ओ वेक्टर, या लास्ट है 6 ए ओ वेक्टर, इस तरह से अपन को बोल रहा है। अब मैं इसमें कौन सा सही ऑप्शन लगाऊंगा बेटा, ये देखिए मैं कैसे बनाऊंगा। इस क्वेश्चन को आपको देखना चाहिए, आराम से समझना चाहिए बेटा। अब देखिए मैं इस क्वेश्चन को बनाऊंगा, पहले तो इस क्वेश्चन में ए बी वेक्टर, तो ए से बी तक एक वेक्टर प्लॉट करा। ए सी वेक्टर, तो ए से सी तक ये वेक्टर प्लॉट करा ऐसे। फिर ए डी वेक्टर, तो ए से डी तक ये वेक्टर प्लॉट करा ऐसे, सेंटर बीच में ये यहाँ आएगा। फिर उसके बाद क्या है, ए ई वेक्टर, तो देखिए ए से ई तक मैंने वेक्टर प्लॉट करा ए ई वेक्टर। एफ वेक्टर, तो ए से एफ तक मैंने प्लॉट करा एफ वेक्टर। तो यहां पर बेटा दिस इज ए बी वेक्टर, ऐसे लिख लो ए बी वेक्टर, दिस इज ए सी वेक्टर, दिस इज ए डी वेक्टर, दिस इज ए ई वेक्टर, दिस इज एफ वेक्टर। बहुत आराम से सुनना, अब मुझे इसका सम बताना है बेटा। ए ए बी वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर प्लस ए डी वेक्टर प्लस ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर, कितना होगा वैल्यू, कितना होगा वैल्यू, है ना, ये मुझे सॉल्व करना है। तो आप एक बात समझो, पहले ए बी वेक्टर देखो, ए बी वेक्टर ये, ए सी वेक्टर ये। अब ए बी वेक्टर ये है और ए सी वेक्टर ये है, तो क्या मिलेगा भाई, कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पता नहीं। अच्छा बेटा अगर आप बुद्धि लगाओ, बहुत दिमाग लगाना, एफ वेक्टर ये, बिल्कुल ध्यान देना, एफ वेक्टर बिल्कुल लास्ट वाला, पहले इसको पकड़ो, एफ वेक्टर ये, इसके पैरेलल ये साइड है, जितना लेंथ ये उतना ही लेंथ ये, तो अगर ये वेक्टर है तो इसको वेक्टर बना दे तो क्या ये एफ वेक्टर हो जाएगा। बुद्धि लगाओ, यूज योर माइंड। अब देखो अगर ये ए बी वेक्टर है तो इसके पैरेलल ये साइड है, इसके पैरेलल इसको भी ए बी वेक्टर बना लो। अब जरा गौर से देखना बेटा, आप जरा गौर से देखना, पहले देखो ए सी वैक्टर प्लस ए वैक्टर, देखो हेड टेल मिल रहा है तो ट्रायंगल लॉ लगाएंगे। हेड से देखो एक वैक्टर का हेड और दूसरे का टेल मिल रहा है, तो हेड टेल रहता है तो रिजल्टेंट कैसे बताते हैं, ट्रायंगल लॉ से। तो ट्रायंगल लॉ पहले वैक्टर के टेल से दूसरे के हेड की तरफ, देखो ये तो ए सी प्लस एफ इज वॉट ए डी वैक्टर, देखिए ए सी प्लस एफ इज वॉट ए डी वैक्टर, हाँ ये दोनों मिला के ए डी वैक्टर हो गया, ये दोनों मिला के ए डी वैक्टर हो गया, ये ए डी और ये ए डी। अब ये दोनों देखिए ए ई वैक्टर ए बी वैक्टर, देखिए ए बी वैक्टर ये ए वैक्टर ये, अरे इसका हेड और इसका टेल मिल रहा है, देखिए ए ई वैक्टर का हेड और ए बी वैक्टर का टेल, तो रिजल्टेड पहले के टेल से दूसरे के टेल, फिर से ए डी वैक्टर आ गया। तो इन दोनों का जो सम आएगा बेटा, ध्यान से देखना, ए ए बी वैक्टर प्लस ए ई वैक्टर, ये भी ए डी है। तो देखो इन दोनों को मिला करके AD लिखो, देखो सॉल्यूशन कितना सिंपल आ गया। देखो बेटा AB वेक्टर प्लस AE वेक्टर इज AD वेक्टर, प्लस फिर ये वाला AD वेक्टर तो है ही, प्लस बहुत आराम से सुनना, एंड AC वेक्टर प्लस A वेक्टर भी AD वेक्टर के इक्वल है, वेरी गुड। और AD वेक्टर तीन बार है तो 3 AD वेक्टर। और अब देखो AD वेक्टर AO वेक्टर ऐसे को बेटा A से O तक ये वेक्टर, क्या AD वेक्टर AO का डबल नहीं है क्या, देखो ना AO में 2 से मल्टीप्लाई करो तो AD करो, चूंकि ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है, तो यहां पर बेटा AD वेक्टर दरअसल 2 टाइम्स ऑफ AO वेक्टर है, एंड 3 टू जा 6 6 AO वेक्टर आंसर होएगा, दिस इज आवर आंसर।
ये क्वेश्चन अगर मिलता है, देखिए पहले तो ये सवाल आया कि नहीं आया, पहले ये देखना है कि ये जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा ये आया कि नहीं आया। नहीं आया वीडियो रिप्ले करो, मेरी बात सुनो ध्यान से, मैं जो लिख रहा हूँ उसको समझो ध्यान से, फिर नोट्स में लिखो और कम से कम 3 से 4 बार अगर आप खुद करोगे तो खोपड़ी खुल जाएगा, दिमाग खुल जाएगा, जो दिमाग के जो न्यूरॉन्स जो सोए हुए न्यूरॉन्स है वो काम करने लगेंगे, वर्किंग फंक्शन में आ जाएगा बेटा। बस आप जो है इस माइंड को कैसे डेवलप करेंगे, प्रैक्टिस, प्रॉपर प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। हम लोग आइंस्टाइन नहीं है भाई, आइंस्टाइन नहीं है कि दिमाग की इफिशेंसी बहुत ज़्यादा है, हम लोग नॉर्मल पर्सन है बेटा, और नॉर्मल पर्सन भी अपना अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है अगर वो सही से प्रॉपर प्रैक्टिस कर ले। मेहनत रंग लाती है, देखिए अगर किसी ने बोला है तो ये बहुत सोच के बोला है बेटा, हम बोलते हैं डायलॉग बाजी करते हैं लेकिन सच्चाई कुछ और ही है कि वाकई मेहनत रंग लाती है। आप मेहनत करो, देखो ये कितना मजा आ जाएगा, ऐसे क्वेश्चन इस टाइप के जितने क्वेश्चन मिलेंगे आप बहुत कॉन्फिडेंटली बनाओगे, बहुत मजे से बनाओगे बिना डर के। और बनाते बेटा, टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का, घबराने का नहीं भाई, घबराने का नहीं भाई, कोई घबराएगा नहीं, कोई घबराएगा नहीं। अब जैसे मान लीजिए आपसे बोला कि बेटा अ बॉडी ट्रैवल्स 10 मीटर ईस्ट कॉमा 10 मीटर नॉर्थ एंड अगेन 10 मीटर ईस्ट, या ऐसा करते बेटा थोड़ा सा घुमाते क्वेश्चन को, ठीक है। अब मैन ऐसा लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं, रुक जाओ ये बहुत आसान क्वेश्चन हो जाएगा, लिखो देखो, लिखते हैं अब मैन मूव्स 10 मीटर स्टेप्स इन वन डायरेक्शन, 10 मीटर इन वन डायरेक्शन, 10 मीटर इन वन डायरेक्शन एंड देन या 10 स्टेप्स लिख लो, 10 स्टेप्स थोड़ा और घुमाते हैं, अ मैन मूव्स 10 स्टेप्स इन वन डायरेक्शन एंड देन ही टर्न्स आइदर इन लेफ्ट और राइट, राइट ठीक है, एंड मूव्स 10 स्टेप्स, ठीक है, एंड ही अगेन टर्न्स लेफ्ट और राइट, राइट एंड फाइनली मूव्स 10 स्टेप्स। दैट इज टोटल 30 स्टेप्स ही मूव्ड, टोटल 30 स्टेप्स ही मूव्ड। If each step is of length 0.5 meter, then find the maximum displacement. देखो मैंने थोड़ा क्वेश्चन को ट्विस्ट बनाया बेटा, सो दैट आप क्वेश्चन को पढ़ें और उसके बाद इसको पढ़ के एक डायग्राम सोचें, कुछ करें, है ना। देखिए मैंने ये क्वेश्चन लिखा, ये क्वेश्चन क्या है, देखिए मैंने क्वेश्चन का लैंग्वेज भी लिखा, अपनी तरफ से क्वेश्चन फ्रेम किया है, लैंग्वेज भी लिखा, सो दैट आप थोड़ा सा तो घूमें। देखिए अ मैन मूव्स 10 स्टेप्स इन वन डायरेक्शन, एक आदमी एक डायरेक्शन में 10 स्टेप मूव करता है, एंड देन ही टर्न्स आइदर इन लेफ्ट और राइट एंड मूव्स 10 स्टेप्स, या तो वो राइट मुड़ता है या लेफ्ट मुड़ता है और उधर भी 10 स्टेप चलता है, एंड ही अगेन टर्न्स
और मुड़ने के बाद फिर वो 10 स्टेप चलने के बाद फिर मुड़ता है लेफ्ट और राइट एंड देन फाइनली मूव्स 10 स्टेप फाइनली मूव्स 10 स्टेप और फिर उधर भी 10 स्टेप चलता है, दैट इज टोटल 30 स्टेप्स ही मूव्ड। और ये पूरा स्टार्टिंग देखे तो टोटल 30 स्टेप चल चुका है। अगर प्रत्येक स्टेप की लेंथ कितनी है 0.5 मीटर, तो बोलता है फाइंड द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट, पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट। तो कैसे बनेगा सवाल, सर आपने ये क्या किया, कैसा बनाया? तो मैं बेटा इसका सोल्यूशन लिख रहा हूँ। देखो सोल्यूशन कैसे करेंगे, पहले सोचेंगे एक स्टेप कितना है 0.5 मीटर, तो 10 स्टेप की लेंथ कितनी होगी, एक स्टेप 0.5 मीटर, तो 10 स्टेप की लेंथ मल्टीप्लाई करो 10 × 0.5 कितना आएगा जल्दी बताओ, 5 मीटर आएगा। अच्छा मतलब एक तरफ 5 मीटर चलना है, ठीक। अच्छा चलो मान लो 5 मीटर ऐसे चला, ये 5 मीटर चला, ओके ऐसे चला। अब यहाँ से चलने के बाद ये हो सकता राइट, ये हो सकता लेफ्ट, भाई जिधर मुड़ जाए। चलो मान लो लेफ्ट मुड़ा, चलो 5 मीटर इधर चला, ओके फिर यहां से मुड़ेगा, आखिरी एक बार और मुड़ना है 5 मीटर उधर भी चलना है। अब बोल रहा है मैक्सिमम पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट, अगर बेटा ये 5 मीटर अगर इधर चल गया तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, इनिशियल और फाइनल के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये बहुत छोटा हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट अगर ये इधर मुड़ गया तो इनिशियल से जहां से चला था और फाइनल के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कम मिलेगा। हमें कह रहा है मैक्सिमम पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट, ध्यान से सुनो, इसका मतलब इधर मत मुड़ो, जितना हो सके इनिशियल से दूर भागो। तो 5 मीटर इधर की तरफ चल दी, ये अब देखो ये इनिशियल है और ये फाइनल है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम। अगर आप इधर मुड़ते हो तो डिस्प्लेसमेंट तो कम पड़ जाएगा ना, इधर मुड़ो ताकि इनिशियल और फाइनल के बीच में बिल्कुल बढ़िया सा डिस्प्लेसमेंट मिले, मैक्सिमम मिले। तो कुल मिला के इसका रिजल्टेंट निकालना है, तो बोलेगा अरे सर रिजल्टेंट निकालना है वेरी इजी, रिजल्टेंट आर वेक्टर इक्वल टू 3 वेक्टर का सम है। सपोज दैट दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस की तरफ है 5i कैप प्लस तीनों वेक्टर रिजल्टेंट, मतलब तीनों वेक्टर का सम 5i कैप, ये क्या होगा 5j कैप, ये क्या होगा फिर से 5i कैप क्योंकि एक्स एक्सिस के यहाँ कॉम्पोनेंट कोई ब्रेक ही नहीं हुआ, 5i कैप। लो जी हो गया जी मैग्नीट्यूड, तो रिजल्टेंट आर वेक्टर इक्वल टू, ठीक है 5 + 5 तो पहले 10i कर लीजिए प्लस 5j। अब मैग्नीट्यूड तो सर बहुत ही सिंपल, 10 का स्क्वायर 100 और 5 का स्क्वायर 25, एंड रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होएगा बेटा जल्दी बताओ, 125। क्या 25 × 5 होता है क्या, और 25 का रूट क्या होगा 5, 5√5 मीटर इज द मैक्सिमम पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट। कितना आराम से क्वेश्चन को पढ़ा बनाया, अगर नहीं आ रहा है तो आप फिर से वीडियो देखो, रिप्ले करो इसे, आपके पास रीप्ले का बटन है बेटा, रीप्ले करके आप दोबारा देख सकते हो। तो आज मैंने आपको क्वेश्चन कराया, डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी क्वेश्चन कराया, जिससे कि आपको एक फील हो कि सवाल कैसे बनाते हैं, ठीक है ना। बहुत ज़रूरी था आज क्वेश्चन कराना, जिससे आपको शायद मिल भी रहा होगा, कुछ लोग बनाना स्टार्ट कर दिए होंगे तो मिल भी रहा होगा। और भी वैरायटीज़ ऑफ क्वेश्चन है, डोंट वरी, बहुत सारे क्वेश्चन हैं और बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे भी आगे, है ना। हम लोग कल जो है पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, है ना, हम लोग पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम। थोड़ा सा आप चिंता मत करो, मैं पढ़ाऊंगा, कैसे पढ़ाऊंगा आप देखना, हम लोग कल इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, यानी हम लोग पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन भी पढ़ेंगे और इक्विलिब्रियम भी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा, पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन चर्चा नहीं हुआ, पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन पढ़ेंगे और इक्विलिब्रियम भी पढ़ेंगे, ठीक है, उसी में लामीज़ थ्योरम भी पढ़ लेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा, है ना। इसके बाद आपका प्रोडक्ट बचेगा, 2 प्रोडक्ट होता है, स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट और चैप्टर फिनिश, है ना। तो यहाँ तक पढ़ेंगे, पहले तो कल थोड़ा और क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद फिर मैं थोड़ा थ्योरी भी पढ़ाऊंगा, ठीक है, जिससे हम लोग आगे भी बढ़ते चले, ठीक है बेटा। तो आज के लिए यहीं तक, थैंक यू, ओके।